अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। मानिकपुर कस्बा है और ब्लॉक मानिकपुर है। यहाँ पे जो अरविंद के घर के पास में खड़ी हुई, जिनके घर में 19 तारीख को चोरी हुई थी, 4.5 लाख रुपए और देना गया था, तो उसने यहाँ के दरोगा ने छानबीन किया, 3 कमेटी बनाए थे, तो उनके बदमाश 2 लोग पकड़े गए और उन लोग को जेल भेज रहे। कल एसपी से मीटिंग हुई थी 29 तारीख को और सामान बरामद हुआ, पैसा वापसी हुआ। अनुभव गुप्ता है कि घर पे चोरी हो गई थी और काफी मात्रा में सामान एक यहाँ से गया था, जिसमें टीवी और जेवरात वगैरह थे। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए टीम हम लोगों ने लगाई और टीम हमारे कमल साहू और कुछ कॉन्स्टेबल्स की टीम लगी थी। पता थी सुराग से पता चला कि यहीं के क्षेत्र के मानिकपुर क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने घटना की थी। अभियुक्त जो है, एक तो विरोध है इसमें, अभियुक्त इसने किया था घटना, एक पवन कुमार था। पता लगा कहाँ से इनकी गिरफ्तार भी है। गिरफ्तारी के बाद इनके पास से सारी चीजें बरामद हुई है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। ये सारी चीजें जो है चोरी का ही सामान बरामद हुआ है, इससे स्पष्ट है कि घटना सही वर्कआउट हुई। इसमें भी एक अभियुक्त और है जो कि फरार है, उसके यहाँ पे दबिश गई थी लेकिन अभियुक्त भाग गया, अपने घरों से भाग गया है, उसके लिए गिरफ्तारी इसमें कर ली जाएगी। तो एक अच्छी, काफी अच्छी रिकवरी हुई है यहाँ पे और अच्छा काम टीम द्वारा किया है। इस टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस टीम हम लोगों को खुशी हुई कि हमारा सामान मिलेगा, ये मिले या ना मिले, तो हमारा खुलासा तो हो गया सामान का। हमारे इतनी मेहनत की कमाई है क्योंकि इतिहासिक देखते है, तो हम लोगों को खुशी तो है कि मिलता, भले ना सामान मिले, चोर तो मिल गया। जो हमने रिपोर्ट लिखाई थी उसी के जरिए पुलिस ने अच्छी कार्रवाई किया, उस कार्रवाई का लाभ। कितनी लोग पकड़े गए? 2 लोग पकड़े गए।